तो आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिस मूवी को देखने में बेड़चोद मुझे रद्दी भर भी मजे नहीं आए, क्योंकि मूवी की कास्टिंग में नए नए चूतिये भरे पड़े थे जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। स्टोरी का तो मैं क्या ही कहूँ, स्टोरी गई माचुदाने, जैसे राउंड टू हेल की वीडियो में ग्रेविटी गई थी माचुदाने। अब पता नहीं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा होगा, पर जैसा भी हो देख लेना यार, नाराज मत होना बस प्लीज। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मूर्छित लंड को जिसकी मुंह में एक बेवड़ी है और बहन उसकी एक क्लब में अपना खड्डा खुदवाने का काम करती है। हम उसके बाप को भी देखते हैं जो कि सही मायनों में उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ अपना स्पर्म डोनेट किया था उसकी मोम की हूत में जिससे मूर्छित लंड पैदा हुआ था। जहां हमें ये भी पता चलता है मूर्छित लंड एक लड़की जो कि उसके स्कूल में पढ़ती है अरमानी हूत उससे दिल ही दिल बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी गांड में इतनी बड़ी खाज नहीं है कि वो जाकर उससे अपने दिल की फीलिंग बता पाए। आगे वो अपने दोस्त दगड़ दल्ले से मिलने उसके घर जाता है जहाँ पर दगड़ दल्ले की मोम कोकोडाइल उसका स्वागत करती है। वो अपने दोस्त से मिलता है, कुछ बातें करता है, जिसके बाद मोम भी मूर्छित लंड से मिलने आ जाती है जहाँ वो अपने बेटे को सिगरेट का पैकेट लेने बनिए की दुकान पर भेज देती है और मूर्छित लंड से बात करने लगती है। कहती है मेरे बेटे दगड़ दल्ले ने मुझे बताया कि तुमने एक वेश्या को अपना लंड चुसवाया था। देखो तुम्हारी मोम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम उस टाइप की लड़कियों के साथ ऐसे काम करो। जिसके बाद उसकी मोम उस पर डोरे डालने लगती है और उसकी मुठ मारती है और अपनी गांड मरवाती है और भी ना जाने क्या क्या, जिससे होता ये है कि उन दोनों के बीच में अब अवैध संबंध बनने लग जाते हैं। अगले दिन वो अपने स्कूल पहुंचता है अपने दोस्त दगड़ दल्ले के साथ। तभी वहां पर एक मीठा आता है जो कि मूर्छित से कहता है अगर तूने अरमानी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो मैं तुझे $1,000 दूंगा और अगर तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो तुझे मुझे $1,000 देने होंगे और तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम है। आगे वो बाथरूम में मूत की धार मारने जाता है जहाँ उसे सोच मिलती है जो कि कहीं भी आ सकती है। बोले तो वो उसकी इमेजिनेशन है। मूर्छित उससे पूछता है भला तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कहाँ, बॉयज टॉयलेट में, यहाँ मेरा आना जाना लगा रहता है, मेरी पुरानी आदत है। जिसके बाद वो उसे मोटिवेट करती है और कहती है तू अरमानी हूत को पटा सकता है और बजा भी सकता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अरे बहनचोद, शाहरुख खान की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नवाजुद्दीन की हो गई। आगे जब मूर्छित लंड अपनी क्लास के लिए जा रहा था तब उसे पता चलता है कि अरमानी हूत का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, बोले तो ब्रेकअप हो गया है। तो वो ये जानकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब तो वो चांस पर डांस कर सकता है। बोले तो एक गया और दूसरा आया, हम साले लड़के ऐसे ही होते हैं, एक का नंबर कटा दूसरा लाइन में खड़ा होता है रोती हुई लड़की को कंधा देने के लिए, क्योंकि हम लड़कों को हमेशा रोती हुई लड़की की फिगर सताती है। क्लास में जब एक बुढ़ऊ उन्हें पढ़ा रहा होता है तभी उसके दिल में दर्द होता है और वो निकल लेता है, यानी कि वो ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। जिस खुशी में क्लासेस रद्द कर दी जाती है जहाँ बाहर अरमानी को अकेला खड़ा देख मूर्छित उसके पास जाता है और उसे अपने बुढ़ऊ टीचर के अंतिम संस्कार में चलने के लिए पूछता है और उसे दुखी देख कर कहता है कि दुनियादारी छोड़ो, अपने उसूल बनाओ, अपने दिल की बात सबको मत बताओ, कि दुनियादारी छोड़ो, अपने उसूल बनाओ, अपने दिल की बात सबको मत बताओ, और जिंदगी जीने का यही तरीका है दोस्त, जो तुम्हें भूल गया तुम उसे भूल जाओ। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जिससे अरमानी का ब्रेकअप हुआ था और उससे कहता है तुझको जितनी इज्जत दी तू गैरो की तरफ चलती हो गई, कि तुझको जितनी इज्जत दी तू उतना गैरो की तरफ चलती हो गई, जाओ ढूंढ लो, मेरे से तगड़ा लंड कहीं नहीं मिलेगा, बस बाद में ये मत कहना सॉरी यार हमसे गलती हो गई। और ये सुनकर अरमानी का मत्था सटक जाता है, कहती है चल चल निकल आया बहन का लंड बोड़ी गेंड, तेरे जैसे 100 घूमते हैं मार्केट में। आगे वो अपने बूढ़े टीचर के अंतिम संस्कार पर जाते हैं जहाँ कार में मीठे जसमानक के गाने बज रहे थे। अरमानी हूत कहती है मुझे जसमानक के गाने बहुत पसंद है। अब ये बात सुनकर मूर्छित भी उसे इम्प्रेस करने के लिए कह देता है हाँ मुझे भी मीठा जसमानक बहुत पसंद है और कल मैं उसके कॉन्सर्ट में जाने वाला हूँ। जिस पर अरमानी उससे पूछती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मूर्छित जो कि उसकी बजाना चाहता था उसे कॉन्सर्ट के लिए हाँ कर देता है। ये बातें चल ही रही थी तभी पीछे से कोई चूतिया उनकी कार को ठोक देता है। मूर्छित बाहर उतर कर देखता है कि किस बावली गांड ने उससे अपनी कार ठोकी है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक चर्च के फादर है जो अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। फादर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी कार को ठीक करा दूंगा। अब मूर्छित के लोड़े लग चुके थे क्योंकि उसे अब अरमानी को कॉन्सर्ट में भी लेके जाना था और अपनी कार को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी सर्विस सेंटर छोड़ना था। इसीलिए वो एक बार के ओनर के पास जाता है जो कि उसका दोस्त है और उससे कॉन्सर्ट की टिकटों का जुगाड़ करने के लिए कहता है, जिस पर वो कहता है ठीक है पर तुम्हें उसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा, जिसमें मूर्छित को उसके लिए एक ड्रग डीलर से ड्रग लानी है। अगले दिन वो डीलर से नशीला सामान लेता है और एक कार का जुगाड़ करने अपने दोस्त दगड़ दल्ले की मोम लोलोडाइल के पास जाता है, जहाँ वो उसे अपनी कार की चाबी देने के लिए मान जाती है, जिसके बदले वो उससे अपनी बूढ़ी हवेली चटवाती है। अगले दिन वो एक होटल के बाहर बार के ओनर को उसका नकली सामान देने जाते हैं और कॉन्सर्ट की टिकट मांगते हैं, जहाँ वो
उन्हें झाटू बनाकर चला जाता है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे तभी वहाँ अरमानी भी आ जाती है। दगड़ दल्ले को तभी वहाँ पर मुर्शीद के बाप की कार खड़ी मिलती है। मुर्शीद उनके होटल रूम का दरवाजा खटका के वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद दरवाजा खुलता है तो पता चलता है दगड़ दल्ले का बाप और मुर्शीद का बाप दोनों मिलकर एक लड़की को बजा रहे थे, जिनके वो फोटो खींच लेते हैं। आगे मुर्शीद अरमानी को उसके फेवरेट मीठे सिंगर के कॉन्सर्ट में ना ले जा पाने के लिए माफी मांगता है। अरमानी कहती है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ कॉन्सर्ट से भी ज्यादा मजे आए। अगले दिन रिपेयरिंग सेंटर से मुर्शीद के पास कॉल आती है, जो मुर्शीद की मोम की कार को रिपेयर कर रहे थे। वो कहता है तुम्हारी मोम की कार को ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, इसीलिए वो उसे अपनी टेम्परेरी यूज करने के लिए एस्टन मार्टिन दे देता है, जिसे देखकर तो मुर्शीद की फटी रह जाती है। आगे वो अपने दोस्त तगड़ दल्ले और अरमानी को लेकर घुमाई पर निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस वाले उन्हें रुकवा लेते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को मुर्शीद की मोम की कार में रिपेयरिंग सेंटर वाले ओनर की लाश मिली थी, और ये जो एस्टन मार्टिन वो चला रहा था वो उसी रिपेयरिंग सेंटर के ओनर की थी, इसीलिए पुलिस वाले उसे शक के बिहाफ पर अरेस्ट कर लेते हैं। पूछताछ के दौरान वो पुलिस वाले को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर ही उसने अपनी कार को उस सर्विस सेंटर में छोड़ा था। तभी बातचीत के दौरान ही एक एडवोकेट वहां आती है, जिसको चर्च के फादर ने ही मुर्शीद की हेल्प करने के लिए भेजा था, जिससे होता ये है कि वो उस एडवोकेट के कहने पर इन सब चीजों का इल्जाम अपने बाप पर डाल देता है, जिससे पुलिस उसे छोड़ देती है। वो अपने घर पहुंचता है और अंदर जाता है तो पाता है कि उसकी बहन ने बहनचोद उसकी धंधे वाली सारी दोस्तों को घर बुला रखा है, जिससे उसके मिंटोस वाले दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसमें वो अपने दोस्त दगड़ दल्ले से कहता है क्यों ना हम पैसे कमाने के लिए आज रात को अपने घर को कोठा बना दें, ताकि अगर मैं अरमानी को पटाने वाली शर्त हार भी जाऊं तो मैं उस मीठे को $1,000 दे पाऊं। उसके इस आइडिया में दम था तो दगड़ दल्ला एग्री हो जाता है। तभी उसकी मोम कोकोडाइल वहां आ जाती है, जिसे देखकर मुर्शीद के सारे अरमान खाक हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी ले लेकर पक चुका था। आगे जब वो उसकी मोम को वहां से भगाने के लिए उसके पास जाता है तो वो उससे अपनी बजवाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। मुर्शीद को उसकी नहीं लेनी थी, इसीलिए वो बड़ी ही मुश्किल से उसे चूतिया बनाता है। तभी इतनी ही देर में उसका दोस्त भी वहां आ जाता है, जो कि अपनी मोम को गंदी गंदी हरकतें करते हुए देख लेता है। मुर्शीद उससे उसकी मोम को दूसरे कमरे में ले जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद कोठे का काम जोर शोर से चलता है और वो दोनों काफी सारे पैसे कमाते हैं। कुछ ही देर बाद अरमानी भी वहां आ जाती है, जहां मुर्शीद उसके साथ एक रूम में बैठा होता है। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद वो किस करने ही वाले थे। तभी अपनी गांड उठाकर कोकोडाइल वहां आ जाती है और अरमानी को पता चल जाता है कि मुर्शीद और कोकोडाइल का आपस में अवैध संबंध चल रहा है, जिस पर वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। मुर्शीद अरमानी को रोकने की कोशिश करता है, तब तक पुलिस भी वहां आ जाती है और वो सभी को अरेस्ट कर लेते हैं बिना परमिशन के कोठा चलाने के लिए, सिर्फ मुर्शीद को छोड़कर। अगले दिन वो जेल में सभी से मिलने जाता है, जहां पर अरमानी उससे कहती है मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी और मैं तुमको किस भी करने वाली थी, पर तुम तो एक बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हो, जाओ मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी मोम ने बहुत सारा नशा करके आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। एक पुलिस वाला जब उसकी मोम का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम को उसके और कोकोडाइल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और शायद इसी वजह से उसकी मोम ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कुछ समय बाद कोकोडाइल उससे मिलने उसके घर आती है तो वो उसके साथ अपने घोटाले बोले तो नाजायज रिश्ते को खत्म कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। आगे वो हॉस्पिटल में अपनी मोम से मिलने जाता है, जहां पर उसकी मोम उससे कहती है तुमने जो भी रायता फैलाया है तुम्हें वो खुद ही साफ करना पड़ेगा और तुम्हें शायद खुल्लम खुल्ला अरमानी से बात करनी चाहिए, शायद वो तुम्हें माफ कर दे, अपने बाप की तरह मत बनो, एक अच्छे आदमी बनो। जिसके बाद वो उसी सेक्सी वकील के पास जाता है जिसने उसे पहले पुलिस वालों से बचवाया था, जहां वो उससे अपने दोस्तों को थाने से छुड़वाने के लिए कहता है। वकील कहती है मैं $2,000 चार्ज लूंगी। मुर्शीद कहता है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ $37 ही है। वकील कहती है ठीक है तुम मुझे इतने ही दे दो डाउन पेमेंट के तौर पर और अब से तुम मेरे नीचे काम करोगे, बोले तो तुम मेरे क्लर्क हो। आगे सेक्सी वकील उसके सारे दोस्तों को थाने से छुड़वा लेती है और एक दिन जब मुर्शीद अपनी मोम से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था तभी उसे अरमानी मिलती है, जहां पर वो उसे दिल से सॉरी बोलता है और कहता है मैं तुमसे बहुत सच्चा वाला प्यार करता हूं। अरमानी भी उसे कहीं ना कहीं चाहती तो थी ही, इसीलिए वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों किस करते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का मोरल क्या था, पर बहनचोद मुझे खुद ही नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता चले तो मुझे भी बताना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।